हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्राइडल वियर ड्रेसेस 2024 के लेटेस्ट डिज़ाइन आप इस वीडियो में बहुत ही यूनिक से आइडियाज़ देखेंगे जो कि बिल्कुल न्यू और ट्रेंडी डिज़ाइन है फ्रेंड्स जितनी भी हमारी सिस्टर्स हैं गर्ल्स हैं जो आगे जिनकी शादी है उनको क्योसिटी होती है कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में किस तरह के ड्रेसेस फ़ैशन में रहेंगे ट्रेंड में रहेंगे या फिर वो कौन से कलर्स हैं जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी फ़ोर में बहुत ज़्यादा फेमस रहेंगे तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल लेटेस्ट न्यू और ट्रेंडी डिज़ाइन ऐड किए गए हैं और साथ में कलर्स भी ट्वेंटी ट्वेंटी फ़ोर के लेटेस्ट कलर्स ऐड किए गए हैं आपने वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेहंदी बारात और वलीमा फंक्शन के लिए ब्राइडल वियर ड्रेसेस ऐड किए गए हैं तमाम के तमाम लॉन्ग और हैवी ड्रेसेस हैं ए, अगर आप हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस अपने लिए परचेस करते हैं तो हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं 2023 में भी इसी तरह के ड्रेसेस फैशन में थे बट थोड़ी बहुत चेंजिंग करके 2024 में भी सेम उसी तरह के ड्रेसेस डिज़ाइन किए गए हैं थोड़ा सा कलर्स में चेंजिंग ज़रूर आई है आप यहाँ पे हर तरह के कलर्स देख सकते हैं डस्टी ब्लू कलर जो कि 2024 में बहुत ज़्यादा फैशन में रहेगा अगर आप अपने लिए पार्टी वियर ड्रेसेस डिज़ाइन करवाना चाहती हैं या फिर ब्राइडल वियर ड्रेसेस डिज़ाइन करवाना चाहती हैं तो डस्टी ब्लू कलर को आपने गूगल पर सर्च करना है और वहाँ से उसके आइडियाज़ लेने हैं कि आप उसको किस तरीके से डिज़ाइन करवा सकती हैं अगर डस्टी ब्लू कलर को आप अपने वलीमा फंक्शन के लिए कस्टमाइज़ करवाएंगी तो वो बहुत ज़्यादा आगे चल के फ़ैशन में रहेगा ट्रेंड में रहेगा और आपके साथ बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश भी लगेगा इसके अलावा बारात फंक्शन के लिए एज़ यूजली आप देख सकती हैं मैरून और गोल्डन कलर के ड्रेसेस ऐड किए गए हैं इन तमाम ड्रेसेस पे हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी है कोरे तबके का, का काम है तिले और गोटे का, का काम है इसके अलावा पल्स इनमें यूज़ हुए हुए हैं फ्रेंड जो हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी होती है ब्राइडल ड्रेसेस पे या किसी भी पार्टी वियर ड्रेसेस पे तो वो वो ड्रेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि सम टाइम आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट में ऑर्गेंजा फैब्रिक्स के ऊपर या फिर नेट फैब्रिक्स के ऊपर सीक्वेंस वर्क ज़्यादातर आपको मिलेगा सीक्वेंस वर्क यानी सितारे का काम वो मशीनी काम होता है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता जब आप शफोन पे या प्योर शफून फैब्रिक्स पे अड्डे पे काम करवाते हैं या फिर हैंडमेड मेड वाले ड्रेसेस आप अपने लिए चूज़ करते हैं जिनमें कोरे और तबके का काम का का होता है तिले गोटे का काम होता है सीक्वेंस वर्क के साथ साथ पल्स भी लगी होती हैं तो वो ड्रेसेस बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी इजाज़त दीजिए अल्लाह